नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आरजी टेक्निकल बॉय यूट्यूब चैनल के अंदर। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप व्हाट्सएप की जो चैट होती है उसका रिपोर्ट आप कैसे निकाल सकते हो। आप मान लीजिए अपने फ़ोन के अंदर जब आपने अपना व्हाट्सएप लॉगिन किया था, जब आपने नंबर डाल के जो आपने अकाउंट बनाया था, उसके बाद जितने भी आपके साथ चैट हुई है ना, उन सबका रिपोर्ट है। और आप अगर उससे ये देखना चाहो कि आपके पास कितनी वीडियोज़ आए, कितने आपने वॉइस भेजे, क्या फ़ोटो आए, क्या भेजी फ़ोटो, वो सब आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। और आपने पूरे जब तक अभी तक, मतलब जब से आपने अपने व्हाट्सएप को लॉगिन किया है, जब से आपके व्हाट्सएप के अंदर कितने वर्ड यूज हुए हैं ना, वो भी आपको पता चल जाएगा कि इतने वर्ड टोटल यूज हुए हैं आपके व्हाट्सएप में। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ले चलता हूँ अपने फ़ोन के स्क्रीन पर, वहाँ पर जो है कि आपको अच्छी तरीके से दिखा देता हूँ कि किस तरीके से जो है कि आप अपने व्हाट्सएप की जो चैट है उसका रिपोर्ट कैसे निकाल सकते हो अपने फ़ोन से। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी जो है कि मैं अपने फ़ोन के स्क्रीन पर आ चुका हूँ और अभी यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से जो है कि आप अपने व्हाट्सएप की जो रिपोर्ट है वो कैसे निकाल सकते हो कि आपने कितने SMS की, कितने आपके पास कॉल आए, कितने आपने फ़ोटो भेजे, कितने फ़ोटो लिए, कितने वीडियोज, स्टेटस वगैरह, पूरी डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगी जो भी आपने एक्टिविटी की अपने व्हाट्सएप पे। ओके, तो ये किसी और के भी फ़ोन में करोगे तो उसका आप डिटेल सब निकाल सकते हो। तो यहाँ पर आपको इस एप्लीकेशन की ज़रूरत लगेगी, इसका नाम है व्हाट्स टूल फॉर व्हाट्सएप। ये वैसे अभी तो वैसे प्ले स्टोर पे है, लेकिन जब तक आप ये वीडियो देख रहे होगे उस समय पता नहीं हो या ना हो प्ले स्टोर पे, तो इसे आप सीधा क्रोम ब्राउज़र से भी सर्च कर सकते हो। पहले तो लिंक पे क्लिक करना, अगर लिंक से नहीं डाउनलोड होते तो आपको क्रोम ब्राउज़र पे सर्च करना है व्हाट्स टूल फॉर व्हाट्सएप, और वहाँ पर आपको लिख देना है APK डाउनलोड, जो भी पहली लिंक आएगी उस पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। ओके, अगर प्ले स्टोर पर ना मिले आपको तो उसके बाद आप यहाँ पे जैसे आओगे तो यहाँ पर ये एप्लीकेशन खुल जाएगा, तो इसके अंदर आपको बहुत सारा मिल जाता है। यहाँ से आप बहुत सारा ऐसा काम कर सकते हो जो कि आपको अदर एप्लीकेशन के अंदर नहीं मिलता है। यहाँ से आप इंस्टाग्राम की पोस्ट वगैरह सब कुछ सेव कर सकते हो, व्हाट्सएप स्टेटस भी सेव कर सकते हो, क्रिएट भी कर सकते हो स्टेटस, और उसके बाद यहाँ से आप स्टोरीज स्टेटस सब कुछ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट चैट भी कर सकते हो बिना नंबर सेव किए हुए, फॉरवर्ड ऑल टू व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट, यहाँ से आप सबको एक ही बार में मैसेज भेज सकते हो, क्विक रिप्लाई कर सकते हो। अभी हमें रिपोर्ट निकालना है तो यहाँ पर आप गेट व्हाट्सएप चैट रिपोर्ट, यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जैसे इस पर क्लिक करोगे आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका पूरा जो है कि डिटेल यहाँ पर आ चुका है कि आपका रैम कितना हो, उसके बाद यहाँ पर जो आपने व्हाट्सएप पे जो मैसेज साइन किया वो कितना हुआ, और यहाँ पर आप देखोगे मीडिया में कितना हुआ, उसके बाद रैम कितना भरा हुआ था, और उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे वर्ड यूज, वर्ड साइंड, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कितने वर्ड जो कि साइंड किया, उसके बाद टोटल मेरे व्हाट्सएप में कितने वर्ड यूज हुए, तो वो यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 21,760 वर्ड यूज हुए हैं मेरे व्हाट्सएप में जब से मैंने अपने व्हाट्सएप को लॉगिन किया। मतलब जब हम एक बार अपना नंबर डाल के हम ID नहीं क्रिएट करते उस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर पूरे लाइफ टाइम का नहीं आएगा, ठीक है, वो जब से आएगा जब से आपने अपना क्रिएट किया है। ओके, क्योंकि ऐसा होता है ना कि आप किसी और के फ़ोन में पहले लॉगिन कर रखे थे अपने उस नंबर से, उसके बाद आपने दूसरे फ़ोन में कर लिया। अगर आप दूसरे फ़ोन में करोगे तो जितना आपने उस फ़ोन में किया होगा वो डिटेल निकलेगी बस। तो यहाँ पर भी आपको समझाया जा रहा है ओपन व्हाट्सएप, और उसके बाद यहाँ से भी आप अपना रिपोर्ट वगैरह चेक करते हो तो ये यहाँ पर भी समझा रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि किस तरीके से बता रहा है, यहाँ से क्या होता है कि एक्सपोर्ट चैट वगैरह सब कुछ दिखा रहा है विदाउट मीडिया, और इस तरीके से जो है कि आप यहाँ से जो कि आप इसमें भी और सारी, मतलब अगर और भी आपको डिटेल निकालना है तो ऐसा निकाल सकते हो। तो इसी तरीके से आप कर सकते हो, चैट एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, और अगर चैट एक्सपोर्ट कर लोगे तो आपको जो कि और भी मिल जाएंगे इन्फॉर्मेशन, और भी रिपोर्ट दिखाएगा ये। तो यहाँ पर बोल रहा है कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा, तो पहले अपने व्हाट्सएप को ओपन करना है, उसके बाद 3 डॉट पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको मोर के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर एक्सपोर्ट जो है कि चैट कर देना है, ठीक है, एक्सपोर्ट चैट करोगे, उसके बाद यहाँ पर विदाउट मीडिया पे आपको क्लिक कर देना है, उसके बाद यहाँ पर जब आ जाएगा इस तरीके से तो आपको इस एप्लीकेशन को चूज़ कर लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से करने से यही होगा कि आपको और भी रिपोर्ट्स आएंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको और भी फीचर मिल जाते हैं, तो ये सब आप कर सकते हो यहाँ से। और उसके बाद यहाँ पर आपको, मतलब कि इस एप्लीकेशन के अंदर ना इतने काम मिलते हैं जो कि अदर एप्लीकेशन में नहीं मुझे मिले आज तक, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए थे तो प्लीज़ मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आपने अभी तक मुझे Instagram पर नहीं फॉलो किया है
तो फटाफट से मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। मैं भी वहाँ पर जो कि अब ऐप्स का जो कि जो न्यू अपडेट्स आएंगे ऐप्स के अंदर जो भी अगर एरर वगैरह आता हो जब जैसे सॉल्व हुआ करेगा तो मैं वो सब इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दूंगा। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते।